तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, फिर तय कीजिएगा कि इसका मतलब क्या निकलता है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक तस्वीर अपने फेसबुक वॉल पर शेयर की है जो वायरल भी हो रही है। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार्यकर्ता उनका पैर धोकर पानी पी रहा है। हैरानी की बात यह रही है कि सांसद ने कार्यकर्ता को ऐसा करने से रोका भी नहीं, बाकायदा फेसबुक पर अपनी इस तस्वीर को शेयर भी किया। तस्वीरें देखिए आप, जी बिहार झारखंड आपको सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, कैसे एक कार्यकर्ता सांसद बाबू के पैर धो रहा है और उसके बाद साफ किया, पैरों को पोछा और जो पानी था उसे उठाकर पी लिया, मानो ये पानी नहीं चढ़ना अमृत हो। देखिए आप, पब्लिक डोमेन में ये तस्वीर आने के बाद निशिकांत सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है इनकी, वहीं विपक्ष भी हमला बोल रहा है। तस्वीरें देखिए आप, लगातार हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आप भी तय कीजिए क्या ये परंपरा है या फिर कुछ और नाम दिया जाए इसे। फोटो जब वायरल हुई तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने फेसबुक पर सफाई भी पेश की। लिखा है उन्होंने, अपनों में श्रेष्ठता बांटी नहीं जाती और कार्यकर्ता यदि खुशी का इजहार पैर धोकर कर रहा है तो क्या गजब हुआ। उन्होंने जनता के सामने कसम खाई, उनको ठेस ना पहुंचे, सम्मान किया। चलिए रुक करते हैं हम रांची, हमारे जी झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये तस्वीरें अपने आप में कई तरह के सवाल उठाती हैं, लेकिन देखिए सांसद बाबू सामने आते सफाई पेश करते हैं, कहते हैं तहजीब है, परंपरा है, क्या नाम दें इन तस्वीरों को? देखिए रश्मि, सांसद भले ही इस पूरे मामले पर जो भी सफाई दे, इसे तहजीब का जिक्र करे या कहे कि झारखंड संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, लगातार कई मंच पर उन्होंने खुल करके ये कहा है कि पार्टी विथ डिफरेंस है बीजेपी, बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत डिसिप्लिन है, नेता बहुत डिसिप्लिन है, वीआईपी कल्चर को खत्म करने की उन्होंने बात कही थी, पैर छूने की जो प्रथा जो चली आ रही थी वर्षों से कांग्रेस के काल में उसे खत्म करने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है गोड्डा से निशिकांत दुबे, इस तरह से सार्वजनिक मंच पर अगर पैर धुलवा रहे हैं और उसके बाद उस पानी को कार्यकर्ता पी रहा है, और सबसे शर्मनाक बात यह है रश्मि, वो ये कि पूरी घटना का जिक्र वो अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए आम लोगों तक दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो चाटुकारिता प्रथा को जो खत्म करने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं वो और बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इस तरह का तस्वीर को वो फेसबुक पोस्ट में लगा रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि न सिर्फ पैर धोया है बल्कि उन्होंने पानी पिया भी है। इसके बाद कई सवाल खड़े होने उठ रहे हैं झारखंड में, राजनीति भी चरम पर है, लेकिन जो सफाई आई है वो अपने आप में भी कई सवाल खड़े कर रही है कि आप देखिए कि जब बिल्कुल गलती मानने के बजाय सांसद बाबू सफाई पेश कर रहे हैं, ये भी अपने आप में शर्मनाक है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन प्रतुल सहदेव जी जुड़ गए हैं और जेएमएम नेता प्रदीप जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन लेंगे बीजेपी से। प्रतुल सहदेव जी, थोड़े दिनों पहले प्रधानमंत्री को ये तस्वीरें नागवार गुजरी थी, आप क्या कहेंगे, आपको मंजूर है ये तस्वीर? नहीं देखिए, क्या है ना, झारखंड में ये परंपरा रही है कि जो अतिथि आता है उसका पैर धोकर इसी तरीके से स्वागत करने की वर्षों पुरानी सदियों पुरानी ये परंपरा है, लेकिन ये पीने की जहां तक बात है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस कार्यकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से ऐसा क्यों किया, हम इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन आपको ये बताया ना कि प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की कि ऐसे कल्चरों को बढ़ावा नहीं देने की, तो ये झारखंड में हम परंपरा की बात कर रहे हैं, उन्होंने किस कल्चर का विरोध किया था? जब शिवराज पाटिल ने कहा था कि सोनिया गांधी की महात्मा गांधी से तुलना कर दी थी, और जब एक जेल सिंह ने कहा था कि जहां से इंदिरा गांधी क्रॉस करे, सर इधर उधर की बात नहीं करते, इधर उधर की बात नहीं करते, आपने कहा व्यक्तिगत तौर पर कार्यकर्ता ने ऐसा क्यों किया, आप ये बात कीजिए कि अगर व्यक्तिगत तौर पर कार्यकर्ता ने ऐसा कर भी दिया तो सफाई क्या पेश की जा रही है आपके सांसद बाबू की तरफ से? अभी आपको याद होगा लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड 2018 के में इन्हें बेस्ट सांसद का अवार्ड दिया जाना है, यही है हरकत बेस्ट सांसद की? अब मैं जवाब दूं, अब सांसद ने अपने फेसबुक के जो वॉल पर लिखा है उसमें पीने का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कहा है कि जो पानी से उनका पैर को धोया गया, ये अतिथि सत्कार झारखंड की सदियों पुरानी परंपरा है। उन्होंने चलिए प्रतुल सहदेव जी, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ अमित मंडल जी हमारे साथ जुड़ गए, गोड्डा से विधायक है। सर आप क्या कहेंगे, मंच पर मौजूद थे आप उस वक्त?
जी मैं मंच पे मौजूद था, ये एक शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था पुल का, और वहाँ पे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित था, और क्योंकि उनका जो डिमांड था वो पुल का था उस गांव का, तो वो उत्साह में उन्होंने कहा था कि मैंने जब सांसद जी को कहा था कि ये पुल बनना चाहिए तो सांसद जी ने वादा किया था, और उस समय मैंने सांसद जी को सर आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त हमारे साथ झारखंड से रेजिडेंट एडवोकेट मनीष मेहता जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। मनीष सवाल करें अपना। हाँ बिल्कुल रश्मि, फतुल आपसे मेरा एक सवाल ये था, आप कह रहे हैं कि फेसबुक पर जो है निशिकांत दुबे जो कि सांसद है गोड्डा की, उन्होंने सिर्फ पैर धोने का जिक्र किया है, हमारे पास तस्वीर भी है निशिकांत दुबे का, जो फेसबुक पोस्ट है वो भी हमारे पास है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आज मैंने अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता समझ रहा हूँ, भाजपा के महान कार्यकर्ता पवन शाह जी ने पुल की खुशी में हजारों के सामने पैर धोया और उसके उसको अपने वादे पुल की खुशी में पिया, पीने का भी जिक्र किया है सतुल जी, ये खुद निशिकांत दुबे अपने फेसबुक पोस्ट पे लिख रहे हैं, कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप? देखिए मैंने इस पोस्ट को तो देखा नहीं कि कौन सा पोस्ट है, जहां तक पांव धोने की बात है वो झारखंड की परंपरा है कि कोई भी अतिथि आता है तो उसको पांव धोकर सत्कार किया जाता है, तो क्या ये प्रथा क्या ये परंपरा बीजेपी में भी अब लागू हो गई है, क्या तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के पैर धो करके कार्यकर्ताओं को पीना पड़ेगा? अमित मंडल जी नहीं पीने वाली बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैंने पोस्ट नहीं देखा है सांसद जी का, लेकिन जहाँ तक पांव धोने का बात है तो झारखंड की सभ्यता में थाली लेकर पानी लेकर लोटा लेकर झारखंड की सभ्यता में है, लेकिन क्या ये परंपरा बीजेपी के अंदर आएगी, तमाम कार्यकर्ताओं को पैर धो करके पीना पड़ेगा तब उन्हें आशीर्वाद मिलेगा बड़े नेताओं का, क्या बीजेपी में? ये तो एक कार्यकर्ता का उत्साह था और उन्होंने उत्साह में ऐसा किया है, और क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं अगर मेरा पुल बन जाता है तो मैं आपका पांव धोकर उसकी पूजा करूंगा या ऐसा कुछ वर्ड आप लोगों ने रोका क्यों नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम पार्टी विथ डिफरेंस है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं रोका अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस चीज था, तो स्पॉन्टेनियस जो किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर अमित मंडल जी पैर धो करके पीने से पहले आपके जो कार्यकर्ता है उन्होंने भाषण भी दिया है, आप उस मंच पर मौजूद है हमारे पास जी बिहार झारखंड के पास वो वीडियो भी है जिसमें आपके कार्यकर्ता भाषण दे रहे हैं, आप भाषण में इसका जिक्र कर रहे हैं? नहीं वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा जैसे उसने अभी थाली मंगवाया तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो उसने स्पॉन्टेनियसली एक्टिविटी किया जिसके कारण आप देख रहे होंगे जो फुटेज आया होगा, जो फोटो की बात कर रहे हैं शायद वही फोटो होगा। अमित मंडल जी जी बिहार झारखंड के पास वो पूरा का पूरा वीडियो क्लिपिंग है जिसमें वो आपके जो कार्यकर्ता है पवन शाह जो है वो लगातार भाषण दे रहे हैं, पहले उसके बाद वो थाली मंगाते हैं पैर धोते हैं। जी बिल्कुल मनीष जी कई तरह के सवाल उठाते हैं ये तस्वीरें। इस बीच हमारे साथ प्रदीप यादव जी भी जुड़े हुए हैं जेवीएम से, आप उनसे भी सवाल ले सकते हैं। प्रदीप जी क्या हो रहा है गोड्डा में, पार्टी में डिफरेंस कराने वाली बीजेपी के कार्यकर्ता अपने सांसद का पैर धो करके पीना पड़ रहा है पानी? देखिए गोड्डा में नहीं हो रहा है, ये मानसिकता किस प्रकार का परिचय है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में हम सब सुनते थे कि भाई जब राजा लोग जाते थे अपने दबंगई से अपने अंदर लोगों को अपने जूते के तलों गुलाम रखना चाहते थे, अपने पैरों को धुलवाते थे, अब पैरों को धुला के पिलवाते थे, उसी को अच्छा मानते थे। निशिकांत दुबे जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इन्हें राजशाही और उन दबंगता में विश्वास है जिस कारण ये घटनाएं हुई। कोई अगर और अपने आप को ये कहते कि ना हमको देश सांसद के बाद वो भी झूठी बात है, अभी देश सांसद का तो पार्लियामेंट में निर्णय ही नहीं हुआ, तो 2019 में होगा। ये सारी बातें इनकी टोटी दलील है, इनकी मानसिकता बिल्कुल गलत है, इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार है तो हमें पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी भी नैतिकता है तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी से निकालना चाहिए, ऐसे नैतिकता नहीं है तो फिर ऐसे लोगों से। लेकिन प्रदीप जी आप सवाल उठा रहे हैं, प्रदीप जी मेरा सवाल ये है कि आप जो सवाल उठा रहे हैं इस पर निशिकांत दुबे जी ने जो सफाई पे फेसबुक पोस्ट किया एक बार फिर उसमें उन्होंने कहा है कि जो सवाल उठा रहे हैं वो घटिया मानसिकता दर्शा रहे हैं। नहीं सवाल उठाने वाले घटकी तो चलिए तो प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है इस बीच।
कोशिश करेंगे फिर से बात करने की, लेकिन हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर लगातार बने हुए हैं, प्रतुल शाहदेव जी लगातार बने हुए हैं। रश्मि एक सवाल प्रतुल का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लगातार प्रतुल जो है झारखंड में बीजेपी को डिफेंड करते आए हैं और लगातार विपक्षी पार्टियों पर सवाल भी उठाते हैं। प्रतुल आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों से डिफरेंस है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई। देखिए हम तो बिल्कुल डिफरेंट हैं, शुरू से हैं और रहेंगे। और ये प्रदीप यादव जी सिर्फ राजनीति के लिए ये बातें कर रहे हैं, उन्हें झारखंड के कल्चर के बारे में थोड़ा सा अपना स्मरण शक्ति तेज कर लेना चाहिए। झारखंड में आदिकाल से परंपरा रही है पैर धोने की, पैर के धोने के बाद जो पानी को पीने की बात है उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते। उस कार्यकर्ता ने कैसे किस व्यक्तिगत रूप से किया, बिल्कुल प्रतुल शाहदेव जी आप सही कह रहे हैं, झारखंड की ये परंपरा है, ये रिवाज है, अतिथि को हम भगवान मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कार्यकर्ता का भी सम्मान करना पड़ेगा, आप गुरेज नहीं कर सकते इस बात से। इस बीच हमारे साथ शमशेर आलम जी जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस है। शमशेर आलम जी आपको याद होगा बार बार कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता है, आपकी परंपराओं का हवाला दिया जाता है, पुराने दिनों की याद दिलाई जाती है, आज आप इन्हें याद दिलाइए, आज इन तस्वीरों पर जिक्र कीजिए। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, हमारी जो ये लोग याद कराते हैं, हमारी परंपरा तो इस तरह की रही नहीं है, ये तो नए परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता दिन ब दिन एक नए परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। तो उस परंपरा के तहत जब कार्यकर्ता उनका पैर धो करके पी रहा है तो ऐसे समय में इतने संवेदनशील मुद्दे पर माननीय सांसद महोदय वहां पर उनको रोकना चाहिए, ना कि आप देखते होंगे कि बहुत से बड़े नेता हैं जिनका पैर छुआ जाता है तो वो मना करते हैं। बहुत सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, तो उनका पैर छू देता है तो गुस्से में हो जाते हैं या बोलते हैं कि भाई पैर मगरमच्छ है, उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि निशिकांत दुबे भी जो साथ ये जो मामला सामने आया है, गोड्डा में जो तस्वीरें सामने आई है, ये झारखंड की संस्कृति का हिस्सा है पैर धोना, पानी को ग्रहण कर लेना। नहीं, देखिए झारखंड की संस्कृति का ये हिस्सा है, जब हमारे बड़े नेता आते हैं उनके स्वागत में हमारी आदिवासी परंपरा है कि हम उनका पैर धोते हैं, लेकिन कहीं ये आदिवासी कभी हमारे क्षेत्र में झारखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये देखने को नहीं मिला कि जो हमारी माँ बहन या हमारी महिलाएं हैं जो पैर धोती है उसको कभी पिया तो नहीं गया है, ये तो कोई संस्कृति में नहीं है कि उसको पीना है। और उसके अलावा बहनों की बात पर कहाँ से आ गए? नहीं, ऐसा है, आपके प्रतुल जी आप देखते होंगे कि जी आप अगर झारखंड के रहने वाले होते ना तो आपको झारखंड की संस्कृति और विरासत का पता होता, लेकिन अरे हम झारखंड के रहने वाले हैं, जब शमशेर आलम झारखंडी नहीं होगा तो प्रतुल शाहदेव झारखंडी होगा, यहाँ की संस्कृति शाहदेव जी कहाँ से झारखंडी हो जाइएगा, नहीं करते आपने वीडियो भारतीय जनता पार्टी की एक्शन के जस्टिफिकेशन के साथ नहीं है। बिल्कुल प्रतुल शाहदेव जी हमें भी कहने में शर्म आ रही है कि आप इन तस्वीरों को डिफेंड कर रहे हैं, गलती मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, आपको लगता है ये झारखंड की परंपरा संस्कृति रीति रिवाज है, तो आने वाले प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना की शुरुआत करेंगे, उनके सामने ये रिपीट कीजिएगा, इन तस्वीरों को इन तहसीलों को याद दिलाइएगा प्रधानमंत्री जी को भी, तब देखिएगा क्या रिएक्शन होता है उनका। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतुल शाहदेव जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, अमित मंडल जी हमारे साथ जुड़े, और हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता जी भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।